वो सिद्धांत नाम का पत्रकार इस बड़े घर में मेहमान बनकर आया था और किसी ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि वो यहां मेहमान बनकर क्यों आया। तो नर्स बहन जी की शहरी छोकरी है ना, उसके साथ आया था ये। एक दो बार मैंने टोकने की कोशिश की मगर वो अपने छोटे सरकार। मैं क्या गुइयां छीलता, मैं तो जो हो गया सो हो गया। मंगल, सूरज डूबने के बाद मुझे सूरज को पानी देने का शौक नहीं है। पहले ये पता करो कि वो पत्रकार उस रिपोर्ट में क्या लिख रहा है। आप कहें तो आग लगा दूं रिपोर्ट को, ना रहेगा कागज और ना। आग से खेलो मगर वक्त से पहले नहीं। पहले ये पता करो कि वो पत्रकार रिपोर्ट क्या बना रहा है। गांव और उसकी जीवन शैली की रिपोर्ट तो उसमें है रे, ये हम जानते हैं। ठेड़ डालो उसके कमरे को, एक एक चीज को तलाशो। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो रे अब मैं आ रहा हूँ। जीत भाई, आप आपको कौन पकड़ेगा, और वैसे भी आप हम सबको निकाल के ले जाओगे। वे तो साथ मिलके पकड़ो ना, मैच में भी यही बोलेगा क्या? अरे ऐसे हार मानने से मैच नहीं जीते जाते, आने तो जीत को। आ जाओ जीत भाई। कबड्डी 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 आपसे एक बात करनी थी। नहीं, क्या हुआ देव भाई? हुआ कुछ भी नहीं, पर मैं एक बात नहीं सुनता, दो बातें बोलनी पड़ेंगी। देव भाई, हम कबड्डी खेलना तो जानते हैं लेकिन कोई हमें सही राह दिखाने वाला नहीं है। तो हम सब चाहते हैं कि अगर आप हमारे कोच बन जाएं तो मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस आप हमें सही राह बताते जाइए। ओ, महाभारत में कृष्ण बनाना चाहते हो मुझे? पर भाई मेरे पास वक्त नहीं है। हमने आपकी बात नहीं सुनी इसीलिए आप हमसे नाराज हैं। अरे नहीं जीत भाई, ये नाराज वाराज होने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। असल में क्या है कि मुझे गांव में HIV और एड्स के बारे में जागरूकता फैलानी है, बहुत से लोगों से मिलना है, उनसे बात करनी है, इसलिए मैं तुम लोगों को कोचिंग नहीं दे सकता, माफ करना।
अच्छा एक मिनट, मैं चतुर चालाक से पूछता हूं। चतुर चालाक के हिसाब से एक तरीका है जिससे दोनों काम हो सकते हैं। वो क्या देव भाई? हाथ से हाथ मिला लो। देखो तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ कबड्डी के बारे में ही नहीं HIV के बारे में भी बताऊंगा, वो भी सुननी होगी क्योंकि दोनों में कई समानताएं हैं। क्या बात कर रहे हो देव भाई, HIV और कबड्डी में क्या समानता? सही कह रहा हूं, अगर जीने की कला आ गई तो कबड्डी में भी जीत और HIV से भी सुरक्षा। क्या कहते हो दोस्तों? हैं? नानी के घर मजा आया? हाँ माँ, हम वहाँ खूब खेलते थे। मामा ने घर के पीछे झूला डलवा दिया था, हम सब बारी बारी से झूला झूलते थे। अरे जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी झूला ही झूला करती थी। सच माँ? हाँ? बहुत मजा आता है ना। हाँ रे, पर यहाँ टिंकू अस्पताल में था, बुआ भी चली गई थी, वो सब तो मैं देख ही नहीं पाई। कितना मजा आया होगा, टिंकू अस्पताल में था, मैं उससे रोज मिलने जाती और इससे बहुत सारी बातें करती। अरे पागल है क्या, अस्पताल जाना कोई मजे की बात थोड़ी ही होती है बेटी। वो तो देवी माँ के आशीर्वाद से टिंकू बिल्कुल ठीक हो गया, वरना तो। सरपंच जी। अरे सिड आओ, बोलो क्या बात है? वो एक मिनट आप इधर आएंगे? बोलो। वो जो मैंने आपको बात बताई थी, वो बच्चों की खरीद फरोख की धंधे वाली बात। हाँ हाँ। उसका सुराग मेरे हाथ लग गया। मेरे पास उस आदमी की तस्वीर है जो ये धंधा चलाता है। ये रही उसकी तस्वीर। अरे तस्वीर मुझे भी दिखाओ। आप खुश हैं तो हमारे दिल को आराम है, अब बस आप ही का ख्याल तो सुबह शाम है। जिए तो ऐसे कि मिले सबको खुशी। दोस्तों क्योंकि जीना इसी का नाम है, हमें आपसे यूं ही प्यार रहेगा और आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। सिड, ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। हो सकता है कि फिर एक कुर्बानी देनी पड़े।